यह उन्नत शीर्षासन कई कारणों से अभ्यास के लिए अच्छा है, जैसे कि शरीर में प्राण के समग्र प्रवाह में सुधार होता है, बाजुओं और कंधों को मजबूत बनाता है, लसिका प्रणाली सक्रिय रहती है और नियमित अभ्यास से आंतरिक आत्म से जुड़ने में मदद मिलती है। लेकिन जिन्हें उच्च रक्तचाप या जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन्हें अनिद्रा की समस्या हो, उन्हें सोने से पहले यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास करने से पहले डॉक्टर की परामर्श जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा जिन्हें ग्लूकोमा, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर फेफड़ों की बीमारी है, या फिर जिनकी कमजोर रक्तवाहिकाएं हैं, या फिर कान और गले में संक्रमण है, या फिर मिर्गी या आंत्र रोग है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए।